गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा और उसके पार्ट्स देखे। पार्ट्स में हमने क्या क्या देखा? पार्ट्स में हमने सब्जेक्ट और प्रिडिकेट देखे थे, ठीक है। पार्ट्स में हमने सब्जेक्ट और प्रिडिकेट देखे। आज क्या करेंगे? आज हम अपना चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। कौन सा है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस किस किस टाइप के हो सकते हैं, किस किस प्रकार के हो सकते हैं सेंटेंस? जैसे एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब इनमें होता क्या है? हमने सेंटेंस देखा। सेंटेंस का मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सीक्वेंस में होते हैं, एक मैनर में होते हैं और हमें जिन जो हमें मीनिंगफुल होते हैं, जो ठीक है, जो मीनिंगफुल सेंस में होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? दोज आर कॉल्ड सेंटेंसेस, ठीक है। फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दो चार या फिर मतलब सेंटेंस के काइंड्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। हमारे बुक में क्या है? हमारी बुक में फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। बेटा पहले मैं आज आपको ये बता देती हूँ इन सेंटेंसेस में होता क्या है, ठीक है। बाकी को देखते हैं बाद में, पहले मैं आपको बताती हूँ असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जो एक फैक्ट बताते हैं, या तो फैक्ट बता रहा है या किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, या तो फैक्ट बता रहा है या किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, भले ही वो पॉजिटिव मीन में हो या नेगेटिव मीन में हो, भले ही वो पॉजिटिव मीन में हो या नेगेटिव मीन में। फिर जो असर्टिव टाइप सेंटेंसेस हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से एंड होते हैं। असर्टिव टाइप सेंटेंसेस में इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी अफर्मेटिव में हमें हमेशा पॉजिटिव मीन मिलता है और नेगेटिव में हमें नेगेटिव मीन मिलता है। अफर्मेटिव में पॉजिटिव मीन मिलता है और नेगेटिव में नेगेटिव मीन मिलता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हम अपनी जैसे किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हम ऑर्डर करते हैं या किसी से हम पोलाइट बिहेव करते हैं। सो हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो बिहेवियर रिएक्शंस हैं वो इसमें आते हैं। मैं किसी को ऑर्डर कर रही हूँ, ओपन द गेट, ओपन द गेट, या मैं कह रही हूँ सिट डाउन, सिट डाउन। सो वो क्या दिया मैंने? उसे ऑर्डर किया। मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, कि आप मुझे पेंसिल दो। वो क्या है बेटा? वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। किसमें आता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड पार्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है? इस टाइप के सेंटेंसेस में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट्स योर नेम? हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो तुम? तुम कहाँ जा रहे हो? वो क्या है? मैंने उसे क्वेश्चन पूछा। जो इंटरोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं ये हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर या तो डब्ल्यू एच वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से, या तो डब्ल्यू एच वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फिर मैं अगर और कहूँ तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होंगे तो एंड किससे होंगे? एंड जो सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है। व्हाट्स योर नेम?
व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, मतलब मैंने इसमें आपका नाम पूछा है, ठीक है। सो स्टार्ट तो वो डब्ल्यू एच वर्ड से हो रहा है, एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट टाइप आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस टाइप के सेंटेंसेस में हम अपनी सडन थिंकिंग, हम अपनी सडन रिएक्शन, या हम अपनी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, या हम अचानक से कुछ बोल देते हैं, वो सब आता है, ठीक है। कैसे, जैसे वाओ, हम किसी अच्छी सी चीज को देखते हैं, सुंदर सी चीज को, हम क्या कहते हैं, वाओ, ठीक है। जैसे हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हुर्रे बोलते हैं ना, हुर्रे ये तो मजा आ गया है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हम किसी को ब्लेस करते हैं, उसमें हम दूसरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एंड किससे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। एंड किससे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी से पोलाइट बिहेव करते हैं, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं, सो ऐसे आते हैं। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आता है, और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, डब्ल्यू एच या हेल्पिंग वर्ब से, डब्ल्यू एच या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एंड क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड कहाँ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पर। और इसमें क्या आता है, हमारी सडन थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये तो आज हमने इस चैप्टर के बारे में मतलब रफली रीड किया है कि इस चैप्टर में क्या है, ठीक है। कल इसके बारे में हम मतलब डीप वे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके लिए ओनली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आई है इसमें, समझ नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा, आगे मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, गुड बाय।